अपने जमाने की सुपरहिट एक्ट्रेस श्रीदेवी और इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर ने धड़क से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर भी नजर आए थे और इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। और इस फिल्म के बाद जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी वो थी जानवी और ईशान की जोड़ी। फिल्म में इनके बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी और इनकी डेब्यू फिल्म के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर कोई ना कोई बड़ा डायरेक्टर जल्द ही इन्हें दोबारा अपनी फिल्म में कास्ट करेगा और इनके फैंस इन्हें दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। लेकिन जानवी कपूर ने ईशान के साथ काम करने से मना कर दिया है और सिर्फ जानवी ही नहीं, ईशान ने भी उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानवी और ईशान को हाल ही में बॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का ऑफर आया था जिसमें उन्हें दोबारा कपल का किरदार निभाना था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इन दोनों ने ही इस ऑफर को ठुकरा दिया है। दरअसल सूत्र के मुताबिक जानवी और ईशान ने धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू किया लेकिन इनका नाम पहले से ही जुड़ता आया है। दोनों एक साथ जम जाते थे जहां इन्हें मीडिया साथ में स्पॉट करता था और फिर खबरें उड़ती थीं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहां तक कि जानवी और ईशान को इस सवाल का सामना करण जौहर के चैट शो में भी करना पड़ा था और अब यही सब वजह है कि ये दोनों चाहते हैं कि इनकी पहचान इनके काम से बने, ना कि ऐसी खबरों से। और वजह है कि दोनों ने ये बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है और अलग अलग अपना नाम बनाने का फैसला भी लिया है। वेल, तो अब आप जानवी और ईशान के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।